मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जुनियोंग नोल के पास जाना चाहता था और अब हम देखते हैं कि उसकी मॉम उसके लिए मेडिसिन लेने जाती है। तब जुनियोंग उससे कहता है कि अगर उसने हिनजुन से शादी कर ली होती और अगर वो उससे छुपी नहीं होती तो आज वो एक करप्टेड प्रोसिक्यूटर नहीं होता। फिर हम देखते हैं कि नोल सपना देखती है कि जुनियोंग उसे लेने आया है। पर अगले सुबह उसे पता चलता है कि वो सपना देख रही थी। फिर नोल का भाई और नारी उससे मिलने पुलिस स्टेशन जाते हैं। और नोल उनके सामने ऐसा दिखाती है जैसे वो बिल्कुल भी दुखी नहीं है और ना ही वो डरी हुई है। और वो अपने भाई से कहती है कि वो उसकी चिंता ना करे और अपनी स्टडी पर ध्यान दे। दूसरी तरफ जीते अपने डैड के पास जाता है और उससे नोल की रिपोर्ट वापस लेने के लिए कहता है। फिर योनजुन उससे कहता है कि अगर वो सबको बता सकता है कि उसके डैड ने अपने प्रोसिक्यूटर की जॉब में कामयाबी पाने के लिए एक एक्सीडेंट के केस को कवर किया है और एक मासूम लड़की की जिंदगी खराब कर दी तो वो उसकी रिपोर्ट वापस ले लेगा, और अगर वो ऐसा नहीं कर सकता तो उसे अपना मुंह बंद ही रखना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि जुनियोंग ने नोल से मिलने के लिए खाना पीना छोड़ दिया था और फिर जुनियोंग की मॉम उसके पास जाती है और हिनजुन की तारीफ वो जुनियोंग से करती है। तब जुनियोंग उसे बताता है कि उसने खुद अपनी आंखों से उसे देखा है कि अपनी कामयाबी के लिए वो कुछ भी कर सकता है। और फिर वो अपनी मॉम को बताता है कि नोल के डैड के एक्सीडेंट के केस में वो ही सीनियर प्रोसिक्यूटर था और उसने अपनी कामयाबी के लिए सारे गवाह और सबूत बदल दिए थे। पर नोल अभी भी उसी दुख में जी रही है। जबकि योनजुन अपनी फैमिली के साथ आराम से जिंदगी बिता रहा है पर उसकी मॉम को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता। और तब वो उसे बताता है कि अपने डैड को बचाने के लिए उसने नोल की जान खतरे में डाली थी और वो मरते मरते बची थी। और तब उसकी मॉम को पता चल जाता है कि उसने स्कूल क्यों छोड़ा और वो एक प्रोसिक्यूटर क्यों नहीं बनना चाहता था। फिर हम देखते हैं कि उसकी मॉम उसका रूम अनलॉक करवा देती है और फिर जुनियोंग योनजुन के घर उससे मिलने जाता है और उससे नोल की रिपोर्ट वापस लेने के लिए कहता है। पर योनजुन उससे कहता है कि वो अपनी रिपोर्ट वापस नहीं लेगा क्योंकि नोल ने उसे मारने की कोशिश की है। पर जुनियोंग उसे कहता है कि अगर नोल को उसे मारना होता तो वो 5 साल पहले ही उसे मार देती और वो अपनी कार को घुमाकर खुद का एक्सीडेंट नहीं करती। और फिर योनजुन जुनियोंग को उसकी जान बचाने के लिए थैंक्स कहता है पर जुनियोंग उससे कहता है कि उसे उसकी जान बचाने का अफसोस है
और अब वो उससे दोबारा कभी नहीं मिलना चाहता और ना ही दोबारा कभी उसे देखना चाहता है। और वो वहाँ वो USB रख कर चला जाता है जो उसने नोल से 5 साल पहले छीनी थी। और जब यंजुन उस फुटेज को देखता है तब वो अपनी रिपोर्ट वापस ले लेता है। और फिर जुनयोंग पुलिस स्टेशन जा रहा था पर तब जीते उसे कॉल करता है और उससे कहता है कि अगर 5 साल पहले नोल वो USB टीवी स्टेशन ले जाती और अगर उसने नोल से वो USB नहीं छीनी होती और तभी सबको उनके बुरे काम की सजा मिल जाती तो आज नोल की जिंदगी अलग होती। वो कहता है कि अगर उसको नोल को प्यार करने का हक नहीं है तो जुनयोंग को भी नोल को प्यार करने का हक नहीं है क्योंकि वो भी जीते की तरह यंजुन का बेटा है। और उसकी ये बात सुनकर जुनयोंग वापस अपने घर चला जाता है। अगले दिन नोल को पुलिस स्टेशन से छोड़ दिया जाता है और नारी उसे लेने आती है पर नोल जुनयोंग का इंतजार कर रही थी। दूसरी तरफ नोल का भाई उसे लेने पुलिस स्टेशन जा रहा था तब एक कार उसे टक्कर मार देती है और उसके पैर में चोट लग जाती है। तब वो उसे पुलिस स्टेशन तक छोड़ने आते हैं। तब हम देखते हैं कि वो कार यंजुन की वाइफ की है। और वो उसके भाई को चोट पहुंचाकर नोल को वार्निंग दे रही थी कि वो उसकी फैमिली से दूर रहे वरना उसके भाई के साथ कुछ भी हो सकता है। फिर हम देखते हैं कि नोल जुनयोंग से मिलने उसके घर जाती है और तब वहां जुनयोंग का मैनेजर आता है और उससे कहता है कि जुनयोंग उससे नहीं मिलना चाहता और इसलिए उसे यहाँ से चले जाना चाहिए। पर नोल वहां से नहीं जाती। तब जुनयोंग का मैनेजर उससे कहता है कि अगर जुनयोंग उसके साथ सीरियस होता तो वो पुलिस स्टेशन में उससे मिलने जाता पर वो एक बार भी उससे मिलने नहीं गया। और उसकी ये बात सुनकर नोल वहां से चली जाती है। फिर नारी जुनयोंग को कॉल करती है और उससे कहती है कि नोल ने उसका बहुत वेट किया था पर वो उससे मिलने नहीं आया और वो चाहती थी कि वो नोल को रोक ले इसलिए उसने उसे कॉल किया था क्योंकि नोल कोरिया छोड़कर जा रही थी। फिर जुनयोंग जीते के पास जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि जोंगुन की जीते के साथ शादी थी। और नोल अपने भाई को लेकर कोरिया से बाहर जा रही थी। पर तभी जीते वहां आता है और उसे रोकता है। और वो उसे बताता है कि ह्योंजुन और उसकी वाइफ जिसने उसे धमकी दी है वो उसके पेरेंट्स हैं और उसका पूरा नाम चोई जीते है और उसने उससे झूठ बोला था। और दूसरी तरफ जोंगुन जीते का इंतजार कर रही थी पर वो उससे शादी करने नहीं जाता। और फिर जोंगुन के डैड यंजुन से कहते हैं कि उसकी बेटी की शादी जीते से ही होगी चाहे वो कितना ही लेट हो जाए। पर उसे जोंगुन के पास वापस आना ही पड़ेगा। और फिर नोल यंजुन के घर जाती है पर उनके घर पर कोई नहीं था। तब वो उनके घर के बाहर खड़ी रहती है और कहती है कि उन्होंने अपने बेटे को उन पर नजर रखने के लिए क्यों भेजा। और जीते भी वहीं था और नोल की बातें सुन रहा था। तब नोल बोलते बोलते बेहोश हो जाती है और जब उसे होश आता है
तब वो जीते के पास जाती है और उससे कहती है कि अगर वो उससे मिलेगी तो उसके पेरेंट्स को ये अच्छा नहीं लगेगा। और उसके पेरेंट्स से बदला लेने के लिए वो जीते को उससे डेट करने के लिए कहती है। और दूसरी तरफ जुनियोंग उस लड़के के पास जाता है जो नोल के डैड के एक्सीडेंट के केस की सच्चाई जानता था, और वो उससे पूछता है कि वो कौन था जिसको हिंजुन ने उस केस में बचाया था। वो उस लॉयर का पीछा करता है और उसके पीछे हॉस्पिटल तक जाता है जहां उसकी बेटी एडमिट थी। उसकी बेटी का जन्मदिन था और जुनियोंग उसके लिए गिफ्ट लाता है और उससे मिलने भी जाता है, और वो उसके डैड की तारीफ उससे करता है। फिर वो उस लॉयर के पास जाता है और उससे कहता है कि उसे पता है कि ह्योंजुन ने उससे बोला था कि अगर वो सच को छुपा लेगा तो उसकी बेटी की हॉस्पिटल की फीस की उसे चिंता नहीं करनी पड़ेगी और वो प्रमोटेड भी हो जाएगा। पर उस लॉयर ने उनकी बात नहीं मानी और अपनी जॉब छोड़ दी, और फिर उसकी वाइफ ने भी उसे डिवोर्स दे दिया। जुनियोंग उससे कहता है कि उसके पास अब ज्यादा वक्त नहीं है और वो ह्योंजुन का बेटा है, हालांकि ह्योंजुन उसके बारे में नहीं जानता। और तब वो लॉयर जुनियोंग को बताता है कि उस एक्सीडेंट के सबूत मिटा दिए गए थे और उसका कोई विटनेस भी नहीं है, इसलिए वो अब कुछ नहीं कर सकते। पर जुनियोंग उससे उसका नाम पूछता है जो वो कार चला रहा था, और तब लॉयर उसे बताता है कि वो जोंगुन है। फिर हम देखते हैं कि जोंगुन बार में जाती है और वहां ड्रिंक करती है और वो पूल में गिर जाती है। तब जुनियोंग जोंगुन को बचाता है। और उससे कहता है कि वो उसकी परमिशन के बिना नहीं मर सकती। फिर हम देखते हैं कि जुनियोंग ने अपनी डॉक्यूमेंट्री से नोल को निकाल दिया है। और दूसरी तरफ नोल की कंपनी का डायरेक्टर उसके पास आता है और उससे कहता है कि जीते ने उसे नोल को एक जॉब देने के लिए कहा है, जो सोयुन हूं कि अगली मूवी के बिहाइंड द सीन शूट करने की है, पर वो नहीं चाहता कि नोल वो जॉब करे क्योंकि यूनहू बहुत ज्यादा मीन और घमंडी एक्टर है। पर नोल उस जॉब के लिए हाँ कर देती है। फिर हम देखते हैं कि लोग ह्योंजुन की कंपनी में आकर उसके खिलाफ स्ट्राइक करते हैं। क्योंकि उसने उनकी दुकानों को उनसे छीन लिया था। पर वो कहता है कि वो प्रॉपर्टी जिस पर वो स्टॉल लगाते थे वो गवर्नमेंट की है। और उनके पास वहां स्टॉल लगाने का लाइसेंस भी नहीं है। पर तभी जीते वहां आता है और वो अपने डैड के खिलाफ बोलता है। पर ह्योंजुन उससे कहता है कि वो प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की है और उन सब ने अभी तक अपना टैक्स भी नहीं भरा है, जिसकी वजह से उन्हें जेल भी हो सकती थी, पर उसने उनके साथ ऐसा कुछ नहीं किया। पर जीते फिर भी अपने डैड की गलतियां निकालता है। और उससे कहता है कि कभी उसकी लाइफ भी उन लोगों के जैसी थी और उसके डैड भी एक स्टॉल लगाते थे, पर अब उसे उनका दर्द दिखाई नहीं देता।
और फिर हुंजुन जीते से उसकी शादी की बात करता है। पर जीते उससे कहता है कि वो जोंगुन से शादी नहीं करेगा और अब वो उसकी खुशी के लिए और उनके फायदे के लिए कुछ नहीं करेगा। और वो कहता है कि अगर वो उसे अपनी कंपनी या घर से बाहर निकालना चाहते हैं तो वो भी सब कुछ छोड़ देगा। फिर हम देखते हैं कि जीते की मॉम जोंगुन के पास जाती है और उसे एक फिल्म की डायरेक्टर बना देती है। वो जीते की पोस्ट उसे दे देती है और जीते को उसका असिस्टेंट बना देती है। दूसरी तरफ सोयुन हो की शूटिंग शुरू हो जाती है और नोल वहां शूटिंग के लिए जाती है। फिर हम देखते हैं कि जुनियोंग की मॉम उसके लिए खाना लेकर जाती है और तभी युनजुन भी वहां आ जाता है और वो जुनियोंग की मॉम को देख लेता है। फिर वो उससे बात करता है। और उससे पूछता है कि वो जुनियोंग के घर में क्यों गई थी। तब वो जंगशिक को अपना हस्बैंड बताती है और कहती है कि जुनियोंग उनका बेटा है। और फिर वो उससे पूछती है कि वो जुनियोंग के घर क्यों गया था। तब वो उसे बताता है कि जुनियोंग ने उसकी जान बचाई थी इसलिए वो उसका एहसानमंद है। फिर हम देखते हैं कि नोवेल की शूटिंग के बाद जीते उससे मिलने जाता है। दूसरी तरफ जुनियोंग भी उस मूवी के लिए सिलेक्ट हुआ था। और वो भी वहां जोंगुन से मिलने जाता है और तब वो चारों एक दूसरे से मिलते हैं। और तब नोंगुल जोंगुन के पास जाती है और उससे पूछती है कि वो उसके मैसेज और कॉल का रिप्लाई क्यों नहीं दे रहा है। और फिर जीते जुनियोंग के साथ ट्रेन करने जाता है। और वहां वो उससे कहता है कि उसे ड्रिंक नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो बीमार है। और उसे ब्रेन ट्यूमर है और उसके पास सिर्फ 2 महीने ही बचे हैं। जीते उससे कहता है कि अब वो नोल का ख्याल रख सकता है और अब उसे नोल से दूर रहना चाहिए। दूसरी तरफ नोल देखती है कि कुछ लड़के जुनियोंग के मैनेजर की बहन को बुली कर रहे थे और तब वो उनसे लड़ने लगती है। और जब जुनियोंग का मैनेजर उसे कॉल करता है तब जुनियोंग नोल की आवाज सुनता है और वहां जाता है। फिर नोल जुनियोंग के पास जाती है और उसे अपनी चोट दिखाती है। और उससे कहती है कि क्या वो उसके साथ हॉस्पिटल नहीं जा सकता। पर जुनियोंग होटल के स्टाफ को उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहता है
और वहां से चला जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि सोयुनहो नोल को उसकी जॉब से निकाल देता है और उसकी बहुत इंसल्ट भी करता है। फिर नोल वहां से अपने रूम में जाती है और अपना सामान पैक करती है। तब वहां जीते आता है और नोल उसे बताती है कि उसे जॉब से निकाल दिया गया है। और जीते को भी उसकी पोजीशन से हटा दिया गया था। और जीते उसे बताता है कि जिसने उसे रिप्लेस किया है वो उससे शादी करने वाला था, पर अपने शादी के बजाय वो नोल के पास उसे रोकने गया था। तब वो नोल से कहता है कि अब जब वो दोनों जॉबलेस हैं तो क्या वो उसके साथ डेट पर चलेगी, वो दोनों इकट्ठे सोल जाएंगे। पर नोल उससे कहती है कि अब उन दोनों के बीच में कुछ नहीं हो सकता और ये बात वो भी जानता है। पर जीते कहता है कि वो उसका इंतजार करेगा, वो उसे माफ ना कर दे। Annyeong everyone.